अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं और अदनान भाई आए हैं आज आज आपको विज़िट करवाते हैं पीछे मनारे पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद का। बादशाही मस्जिद उधर वाली साइड पे आपको करवाते हैं यहाँ का विज़िट। अभी ये देख सकते हैं मनारे पाकिस्तान वाली जगह सारी। ये उधर शाही किला और बादशाही मस्जिद है। ये नीचे आवाम अभी जा रही है। ये बादशाही मस्जिद है लाहौर की सबसे बड़ी मस्जिद। और ये नीचे आप आवाम का रश देख सकते हैं। माशाल्लाह गाड़ी है, बाइक, कितनी आवाम आई पड़ी है यहाँ पे। इसके साथ ही वो लगता है मीनारे पाकिस्तान। और यहाँ से आप देख सकते हैं, अभी बादशाही मस्जिद और शाही किले में जाके आपको दिखाते हैं। बाइक हमने भी खड़ी कर दी है पार्किंग में खड़ी कर दी। अब हम जा रहे हैं अंदर अंदर जाके बाकी विजिट करवाते हैं आपको। हम अंदर आ गए, यहाँ पे रश देख सकते हैं आप। और ये हमारे पीछे ये शाही किले से पहले ही एंटर होते साथ ही साइडों पे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, इनके वगैरह बच्चों की बड़ों की। ये खिलौने वगैरह भी लगे हुए हैं साथ। ये आगे लकड़ी की बनी हुई चीज़ें वगैरह, घोड़ा, ऊंट, ये चीज़ें हैं इस तरह की। ये गाड़ी वगैरह बनी हुई है। ये छोटे होते हम पहाड़ी वगैरह पे लगाते थे, बड़ी प्यारी चीज़ है ये। ये कश्ती बनी हुई है जो उसके साथ मोमबत्ती के साथ जलती है, आग के साथ। ये अंदर का व्यू है फिलहाल। क्यों इदनान भाई गए हैं टिकट लेने? जी भाई देख सकते हैं आगे आप कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। अभी अंदर जाते हैं, अंदर जाके दिखाते हैं बाकी का व्यू। जी ये एंट्रेंस हो गई है। ये देखो ज़रा माशाल्लाह पाकिस्तानी बच्चों का हाल। तो अब ये अरिजीत सिंह का पुतला उन्होंने बनाया हुआ है घोड़े के साथ, जो यहाँ पे मुग़लों से पहले का मेरे ख्याल से था इधर। ये किले के अंदर जाने वाली जगह है यहाँ पे। यहाँ से अंदर काफ़ी बेशुमार अलग अलग जगह है। ये देख सकते हैं इधर भी, यहाँ पे फोटो शूट है। ये किले की दूसरी साइड है। ये देखें, ये यहाँ पे जेलें बनाई हुई हैं। पता नहीं बादशाह के दौर की हैं या बाद में बनी हुई है। मेरे ख्याल से तो बादशाह के दौर में जो बादशाह को तंग करता था बादशाह उसको यहाँ पे कैद कर देता था। ताले तो अज के जमाने के लगे हैं ना, बाकी जेलां पुरानी हैं। ये मेरे ख्याल से शावर वगैरह बना या पूल छोटा सा जो भी कह लो, ये बनाया हुआ है, अच्छी चीज़ है। अदनान भाई की गल तो दसो, इन्नी जगह बनाई है बादशाह जी ने अपना कमरा किस तरह याद रहा सी? जिन्हें कमरे पड़ गया वही कमरा था। वाह रे वाह, जिन्हें कमरे पड़ गया वही कमरा था। यह देखो बादशाह जी ने कमरा ही एडा उच्चा बनाया है कि ना कोई सीढ़ियाँ। बादशाह भी लटक के जाता है अंदर। ये भी कमरे बने हुए अंदर लेकिन बंद किए हुए बादशाह साहब ने। ये ऊपर यह कि बने अदनान भाई बंदर बने हैं, पिछली साइड से शेर बने थे तो बंदर बने। हर जगह बंद की हुई है, पहले बंद नहीं थी, पहले तो बिल्कुल ठीक थी, ना कुछ भी नहीं, हर जगह पे बंद किया हुआ। अब ये नीचे एक सुरंग है, नीचे सुरंग है वो बंद की हुई है। यहाँ पे भी है एक सुरंग।
और बादशाह साहब ने नहीं है चीज़ें सुरंगा बना के तो खजाना कितने लगाया। ये ऊपर हाथी बने हुए हैं, ये हाथी बने हुए हैं ऊपर। कमाल है, उन दौर में ये तकरीबन ज़्यादातर जितने भी तराशे हुए हैं हाथों से ही ज़्यादातर तराशे हुए हैं इन्होंने। पे मेरे ख्याल से तमीरात का काम शुरू है यहाँ सामने। जी ये देखें ज़रा, ये वो बाल्टियाँ जिसे बादशाह सलामत कुएं में से पानी भरते थे, मजाक करना पे आग बुझाने वाली। और ये बादशाह के दौर की बिजली भी होंगी सी, उदो तो दीवे ही बलते बहुते। ए तो काफ़ी बड़ा माशाल्लाह, थक भी गए हम जी सारा। ये बाहर मेन वाली जगह पे है, अच्छा आगे भी बना हुआ। उत्थे दनान भाई बादशाह जहाज खिलाते हेलीकॉप्टर, वह दौर से जहाज हेलीकॉप्टर नहीं होंगे, तोपा खिलादियाँ सी मामू। ये आप नीचे देख सकते हैं, मनारे पाकिस्तान किधर गया, गैप हो गया। ओ चाय भी काफी है यहाँ पे। यकीन करो बादशाह सलामत इस टाइम इतने होंगे ना, तो उन्होंने वेखना नहीं सानू कि जो आवाम हरकत कर दी पी, कोई रंगबादियाँ कर दी पी, बादशाह सलामत ने उन्होंने धौल ला के उत्ते जीरो का बल्ब ला देना सी। देख सकते हो पीछे ये मेरे ख्याल से बाद में थोड़ा सा तमीर किया, ये वाला हिस्सा इतना इतना पहले था, ये पुरानी ईंट लगी हुई है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। ये बैक डोर है, इससे पीछे भी तकरीबन सड़क ही है सारी इसकी बैक साइड पे। ये देखें ये कितना प्यारी जगह बनाई हुई है इन्होंने। ये पूरा चारों तरफ से क्या नाम है उधर बेल एक आई हुई है, बहुत प्यारी बनाई हुई है। से निकल रहे हैं शाही किले से, अभी जाते हैं बादशाही मस्जिद की तरफ। बादशाही मस्जिद जाके वहाँ पे आपको दिखाएंगे बाकी का विज़िट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।